नमस्कार। पाइल्स, जिसको हिंदी में बवासीर भी कहा जाता है, क्यों होती है पाइल्स? पाइल्स के होने के कौन से कारण होते हैं? पाइल्स हो जाए तो कितने प्रकार की होती हैं और कौन से लक्षण पाइल्स में आते हैं? किस किस तरीके से आप पाइल्स को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा क्या होगी पाइल्स की? व्यायाम कौन से करने हैं पाइल्स में? और पाइल्स के लिए स्पेसिफिक डाइट थेरेपी क्या होगी? हम वीडियो में अंत तक ये सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे और हम ये जानेंगे कि पाइल्स अगर आपको घर पर रहते हुए ठीक करनी है तो आपको पाइल्स के लिए किन विशेष नुस्खों का उपयोग करना पड़ेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाया जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अब हम देखेंगे पाइल्स। पाइल्स बेसिकली इसको बवासीर भी कहा जाता है। तो अब हम देखें कि एक कहावत हमने सबने सुनी होगी, कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेज, कब्ज सब रोगों की जननी है। तो कब्ज अगर सब रोगों की जननी कही जाती है तो यहां पाइल्स में कब्ज किस तरीके से आपकी ये पैथोफिजियोलॉजी करा रही है, कैसे पाइल्स कराने का काम करती है कब्ज की समस्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि कब्ज में क्या हो रहा है। कब्ज में आपने जो भी यहां से खाया वो आपका सबसे पहले तो आमाशय में गया। आमाशय में जाकर के या तो उसका पाचन सही तरीके से नहीं हुआ या फिर जो हमने खाया था वही बहुत ज्यादा गरिष्ठ था तो पची नहीं सकता था, तो वो आमाशय से आंत में सही समय पर नहीं उतरा, खराब हुआ, उसके बाद आंत में उतरा। अब आंत में से उसका अवशोषण नहीं हुआ, अवशोषण नहीं होने की वजह से वो जो खाना जो हमने शरीर में लगाने के लिए खाया था अगर शरीर में लगेगा नहीं तो फिर वो खाना ऐसे करके बड़ी आंत में जाकर के बाहर भी नहीं आएगा। बाहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमने खाया था वो सारे के सारे पोषक तत्व तो अभी खाने में मौजूद हैं। जब तक खाने में से वो पोषक तत्व तो खिंच करके शरीर में लग नहीं जाते हैं तब तक वो खाना एलिमिनेट नहीं होगा। अब अगर एलिमिनेट नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा, यहां आंतों में छोटी आंत में ही पहले तो भरा रहेगा, भरा भरा सड़ा हुआ छोटी आंत को खराब करने का काम करेगा। छोटी आंत को जब ज्यादा खराब कर लेगा छोटी आंत में सूजन आना चालू हो जाएगी, नाभि के चारों तरफ आपके सूजन रहेगी, नाभि के चारों तरफ दबाने पर भीना भीना दर्द रहेगा। अब अगर हमने दोबारा खाना खाया तो इस खाने का प्रेशर जब ज्यादा लगेगा तो प्रेशर की वजह से ऐसे करके ये चीजें नीचे की तरफ जबरदस्ती धक्का मारना चालू कर देंगी। अब किसी चीज पर जब जबरदस्ती का धक्का पड़ेगा तो ये इस तरीके से आगे की तरफ जबरदस्ती बढ़ना चालू हो जाएगा और जैसे ही ये जबरदस्ती आगे की तरफ बढ़ना चालू होगा तो फिर इसमें आप बड़ी आंत में ये धीरे धीरे करके इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। और अगर ऐसे केस में पानी की कहीं आपने कमी कर दी तो पानी शरीर में जैसे ही कम होगा शरीर पूरे के पूरे पानी को जो खाने में आप खाते हैं थोड़ा बहुत पानी पीते हैं वो खींच करके शरीर में ले आएगा और शरीर में पानी की कमियां आंतों में पानी की कमी कराने का कारण बनेगी और आंतों में पानी की कमी होगी तो फिर जो खाना जो जिसमें से पोषक तत्व तो अभी खिंचे नहीं थे वो गाढ़ा होकर के बड़ी आंत पर रगड़ करके चलना चालू करेगा और जैसे ही वो खाना जिसमें से जो पोषक तत्व थे वो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं जब वो गाढ़ा हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा और फिर वो रगड़ते हुए जब आंत में से ऐसे करके रगड़ते हुए नीचे की तरफ खिसक करके आएगा तो जो आंत में खून की नलियां चल रही हैं इन खून की नलियों में इस तरीके से मस्से बनना चालू हो जाएंगे इस तरीके से। और जब ये रगड़ करके इस मस्से पर और ज्यादा प्रेशर डालेगा तो मस्सा ऐसे करके बड़ा होगा, और ज्यादा प्रेशर डालेगा तो ये मस्सा
फूटेगा और मस्सा फूटेगा तो क्या था इसमें, ब्लड वेसल ही तो थी, तो ब्लड निकल करके बाहर आना चालू होगा और ये वाला जो स्टूल है, स्टूल एक्सक्रीटा जो गाढ़ा होकर के फीकोलिथ के रूप में जमा हो गया था, हार्ड मल हो गया था, ये रगड़ करके नीचे की तरफ उतरा, ये फूट गया मस्सा और मस्से के फूटने की वजह से अगर ये यहां पर फूटा तो ब्लड निकल करके यहां आना चालू हो जाएगा और इसको बोला जाएगा इंटरनल और ब्लीडिंग पाइल्स। अंदर की तरफ है इसलिए ही तो फूटेंगी, इसलिए इसको बोला जाता है आइदर इंटरनल और ब्लीडिंग पाइल्स। अगर मान लो ये यहां पर होते हैं पाइल्स के मस्से और यहां पर आकर के जब जो सूखा हुआ मल का जो भारी हिस्सा था वो जब ऐसे करके निकल करके आता तो वो एनस को ऐसे करके बाहर की तरफ खोल देता और जो मस्से थे वो ऐसे करके बाहर की तरफ आ जाते और ये मल निकल करके बाहर जब चला जाता तो ये फिर से अंदर हो जाते, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जिसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है लेकिन एनस के आसपास सूजन ज्यादा रहती है, ऐसे कंडीशन को बोला जाता है एक्सटर्नल पाइल्स और इसी को बोलते हैं क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है इसलिए नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। इसमें एनस के पास सूजन रहेगी, चलने में बैठने में बहुत दिक्कत रहती है लेकिन साथ में ब्लीडिंग नहीं होगी ऐसे पाइल्स में। ब्लीडिंग कौन से पाइल्स में होती है, जब पाइल्स इंटरनल होते हैं अंदर की तरफ होते हैं ज्यादा, उन पर जब ज्यादा प्रेशर लगता है तो वो निकलकर बाहर नहीं आ सकते, इसलिए उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो मस्से फूट जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये तो मुझे आशा है ये क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स जो होते हैं पाइल्स के, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स। तो ये जो टाइप्स हैं, अब हम देखें पाइल्स के होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो पाइल्स के होने में एक तो डिहाइड्रेशन बड़ा कारण है, एक इंडाइजेशन बड़ा कारण है, जल्दी में खाना खा लिया, दूसरा लैक ऑफ फाइबर इनटेक, खाने में फाइबर्स की कमी एक बड़ा कारण है, फिर एक कारण होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो फिर आंतों की चाल जो है वो धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाती है जिसकी वजह से एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होना चालू होता है और उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये है पाइल्स होने के कारण। अब सिम्टम्स में हम देखेंगे पाइल्स में अगर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स है, तो फिर वो सिम्टोमेटिकली जैसे वो बैठने में दिक्कत कर रहे हैं, चलने में दिक्कत कर रहे हैं, बहुत ही एम्बेरसिंग टाइप की फीलिंग होती है जिन लोगों को ये एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। और अगर इंटरनल पाइल्स हैं तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से ब्लड लॉस एनीमिया हो जाएगा, आयरन की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, वो वाली प्रॉब्लम्स रहती हैं और साथ में पेट में भारीपन, पेट में अफारा, ये सारी चीजें तो पाइल्स के साथ में रहती ही रहती हैं। तो ये रहेंगे सिम्टम्स। अब हम देखें कि पाइल्स का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो पाइल्स का ट्रीटमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ कब्ज का ट्रीटमेंट ही पाइल्स का पूरा ट्रीटमेंट है। पाइल्स के केस में अगर मान लो जो मस्से हैं उनको कटवा करके निकलवा भी दिया जाए तो फिर जो पाइल्स आपके कब्ज की वजह से हुए थे, अब आपने पाइल्स को कटवा दिया, कब्ज तो वैसी की वैसी है तो कब्ज फिर से पाइल्स करवा देगी। इसलिए अगर मजबूरी में कभी आपको पाइल्स के ऑपरेशन कराने की नौबती आ जाए तो कम से कम महीने भर पहले से कब्ज का ट्रीटमेंट पहले कर लिया जाए ताकि पाइल्स के मस्सों का ऑपरेशन करा दिया लेकिन कब्ज हमने पहले ठीक कर दी थी तो ऑपरेशन के बाद पाइल्स दोबारा से नहीं हो। और कब्ज को ठीक करने का क्या है, नियम है, कब्ज को ठीक करने के लिए आप पहले आंतों में जो भरा हुआ कचरा जैसा भी था आप उसको थोड़ा ढीला करके थोड़ा आंतों के जो टर्मिनल कोलोन है, आंतों का ये लास्ट वाला हिस्सा जो है बड़ी आंत का, इस पे थोड़ा लुब्रिकेशन करा दें, तो कैस्टर ऑयल का एनिमा ले सकते हैं या उंगली से भी आप अगर नारियल का तेल या कैस्टर ऑयल लगा लेंगे एनस के आसपास तो एनस पर लुब्रिकेशन रहेगा, लुब्रिकेटेड एनस से पूरा का पूरा जो हार्ड स्टूल है वो इजीली पास होना चालू हो जाएगा। खाने में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर्स का उपयोग करिए, कोशिश करिए
पेट अच्छे से साफ होता रहे इसके लिए मुनक्के का उपयोग कर लें। मुनक्का रात को भिगो करके सवेरे, सवेरे भिगो करके शाम को पांच पांच सात सात मुनक्के खाए जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में आप सामान्य तौर पर बोला जाता है कि रात को अगर दूध, गर्म दूध मुनक्के के साथ में लिया जाए तो वो सवेरे सवेरे पेट साफ तो कराता है, लेकिन पेट की गड़बड़ियों में दूध कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम भी करता है। इसलिए फलों का उपयोग ज्यादा मात्रा में हो, सब्जियों का सलाद ज्यादा मात्रा में खाया जाए, उबली हुई सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा खाई जाए, मैदे के आटे की रोटी, महीन आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। बाहर का खाना और मैदे से बना हुआ कुछ भी जो भी है वो आप बिल्कुल बंद कर दें। बाहर जो भी पैक्ड आइटम्स आते हैं उनको भी बिल्कुल बंद कर दें। कोशिश करें घर का बना हुआ ताजा भोजन जो है वो अच्छे तरीके से, तसल्ली से, बहुत चबा करके खाना खाएं, और पूरे दिन में पानी की क्वांटिटी लगभग 3 से 3.5 लीटर जरूर पिए। साथ में आंतों में चाल अच्छी बनी रहे इसके लिए टहलना और योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो है उसमें कौन से आसनों को कैसे कैसे करना है ये करा करके बताया गया है, तो वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो वहां से आपको योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन, कौन से आसन कैसे कैसे करने हैं पूरा समझ में आ जाएगा। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव, 3 ट्रीटमेंट होते हैं नेचुरोपैथी के कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। एक पेट का गर्म ठंडा सेक, गर्म ठंडा सेक करने के बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी, और पेट पर मिट्टी की पट्टी करने के बाद एनिमा। तो ये लगातार एक के बाद एक होगा, पेट का गर्म ठंडा सेक, फिर मिट्टी की पट्टी, फिर एनिमा। अगर पॉसिबल हो तो ये तीनों ट्रीटमेंट आप कहीं भी आसपास, जहां भी नेचुरोपैथी का क्लिनिक या नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल आपके आसपास है वहां ये सप्ताह में 2 या 3 बार करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप 2-4 बार करवाएंगे उससे फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं। गर्म ठंडा सेक, मिट्टी की पट्टी तो इजीली घर पे हो सकती है, मिट्टी की पट्टी अगर नहीं हो पाए तो ठंडे पानी का गीला कपड़ा रख लिया जाए, एनिमा लेना आप सीख सकते हैं। तो सप्ताह में अगर एक बार एनिमा लिया जाएगा तो ये धीरे 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 करके आपकी कब्ज की समस्या को परमानेंटली सॉल्व कर लिया जाएगा, और कब्ज की समस्या अगर परमानेंटली सॉल्व हो गई तो डेफिनेटली पाइल्स की समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। कब्ज अगर नहीं रहा तो पाइल्स डेफिनेटली नहीं रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अगर संभव हो पाइल्स, अगर एक्सटर्नल पाइल्स हैं, मस्से बाहर आ जाते हैं, ऐसे केस में ठंडे पानी का कटी स्नान भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो रेगुलर करिए। घर में करने वाले ट्रीटमेंट हैं, इजीली हो जाते हैं, इनका अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे तो निश्चित ही आपको पाइल्स की समस्या में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।